क्या ही मस्त लुक। गाइस वहां पर क्रैब सब है बहुत सारा, और आप लोगों को शायद नहीं दिखेगा अभी, लेकिन मैं कोशिश करेंगे आप लोगों को दिखाने के लिए। जैसे लोगों को लोग देखता है वैसे ही घुस आता है। और इधर में ना बहुत सारा है, बहुत सारा है इधर में, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन सब घुस गया। बहुत होशियार है सब। थोड़ा सा यहाँ इंतज़ार करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए एक तो बड़ा सा होल है, और इधर में बहुत सारा होल दिख रहा होगा। ये स्पेस में जितना होल है ना, ये सब सब में क्रैब भरा हुआ है। अगर हम लोग खोदेंगे तो शायद मिल जाएगा, शायद मिल जाएगा। थोड़ा इंतज़ार करते हैं, देखते हैं इसके इसके इसका में इंतज़ार करते हैं निकलता है या नहीं। हे गाइस, तो हम लोग आए हुए हैं अभी एकदम ओशन के किनारे में, और आप लोगों को दिखाते हैं क्रैब जिसको हम लोगों ने गाड़ी में रखा है। और देखो यहाँ पर है क्रैब, दैट इज़ अ क्रैब, और वहाँ पर मरा हुआ ना, देखिए हम लोगों ने वहाँ पर क्रैब को रखा है। उसको हम लोग लेकर के जाएंगे, उसको बेटा पकड़ते हैं। रुकिए, तो देखिए यहाँ पर मेरे हाथ में क्रैब है, रेड वाला क्रैब, तो ये मज़ेदार है। और वो भी हम लोग कहाँ हैं, देखो समंदर के किनारे। देखिए ये है क्रैब, रेड क्रैब्स नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है, ये समुद्री क्रैब्स है। गाइस तो हम लोग पूरा पसीना पसीना हो गए, बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे समुद्री वाली फील है। यहाँ पर कोई नहा नहीं रहा है इसलिए हम लोग इधर नहीं है। क्या है, स्टारफिश? कहाँ है स्टारफिश? ओ वाओ, हियर इज अ स्टारफिश। देखो स्टारफिश, हम लोगों ने कभी नहीं देखा था स्टारफिश। देखो यहाँ पर भी स्टारफिश है, यहाँ पर भी स्टारफिश, देखो स्टारफिश। ये सिर्फ उसका शेप है शायद, क्या कुछ और है? इसे उठाना पड़ेगा, इसे उठाना पड़ेगा। उठा के देखिए तो है, उठाइए ना, उठाइए ना, शायद चला गया। उठाइए तो धीरे से, कुछ तो है। वाओ स्टारफिश, पहली बार। इसको धोए, इसको धोए। हाँ हाँ धो सकते हैं, चलो चलो इसे धोते हैं। देखो ये स्टारफिश एंड क्रैब, एंजल पकड़ी है ना बेटा, मजा आ रहा है आपको? वहीं रही, वहीं रही। देखिए मम्मी का है, देखो देखो ना, ये देखिए ये समुद्री क्रैब्स और ये प्रॉन्स। ये कौन सी मछली है? ये पॉम्पलेट है। पॉम्पलेट, और ये मछली मोरल्ला है। मोरल्ला, ये तो शार्क जैसा दिख रहा है, ये क्या है? ये वाला आइलैंड है, ये मछली है, टूना फिश है, और ये टूना फिश, और ये वाला है। अरे बाप रे, बहुत सारा है, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को नहीं मिलता है उधर। एक बार खाओ इधर, अच्छा लगेगा। चलो फिर आया जाएगा। तो सारे लोग इधर में घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इतना सारा आना एकदम ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग एकदम गोवा में आ गए हैं। ए दे गोवाली मैडम इधर, गोवाली मैडम। हे गाइस, मैं चला अभी बोटिंग करने के लिए, और हमारे साथ में दो कपल्स हैं जो आए हुए हैं, मतलब एक कपल ऐसे है, नॉट टू, ओनली वन। तो हमने डिसाइड किया है कि बोट में जाना है, तो चलिए पहली बार थोड़ा सा एंजॉय किया जाएगा। तो ये दोनों हैं हमारे साथ में, हेलो। देखिए ये दोनों हम लोग को यहीं पर ही मिले हैं, आप लोगों का परिचय नहीं हुआ लेकिन। तो देखिए आई एम आसिफ, आसिफ नाम है इनका। चलिए बहुत बढ़िया, माय नेम इज सामीमा, सामीमा। चलिए बहुत बढ़िया ना, थैंक यू सो मच हम लोग को मिलने के लिए आप लोग। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, इसमें बैठने वाले हैं। ये लोग दोनों जन बैठ गए हैं, अभी मैं भी बैठता हूँ। तो हम लोग ऑलरेडी बैठ चुके हैं, देखिए। ओहो, मैं पहली बार बैठ रहा हूँ इसमें, और पता नहीं मुझे तैरना तो आता है लेकिन समुंदर में नहीं, नहीं। इतना अच्छा, ये पेमेंट के लिए है, तो चलिए इसको हम लोग पेमेंट कर देते हैं। तो गाइस पहली बार हम सब बोटिंग करने आए हुए हैं, और सबसे आगे में है, और आप लोगों को थोड़ा सा नज़ारा दिखा दे। देखिए हम लोगों के साथ में है ना, और भी लोग हैं इधर, नाव का थोड़ा नज़ारा दिखा दे। नाव का नज़ारा इधर भी देख लीजिए। सेस बार होते बड़ा बोल चुका है, तो ये फ्रंट पोजीशंस में है, कोई बैठे नहीं है, लाइव पे सेस। और ये पहली बार इस बोल पे, ये हरियाणा कृष्ण जगन्नाथ एकदम बढ़िया से, ये क्या हो रहा है? देखो तो चलो भाई, बढ़िया से पकड़ रहा है।
सो गाइस हम सब पूरा मस्ती कर रहे हैं यहाँ, और ये ओशंस के बीच में पहली बार मैं आया हूँ यहाँ पर और एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है देख करके, और इधर में देखिए मजा आ रहा है। सो गाइस देखिए सारे लोग मस्ती से यहाँ पर फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, और ओशंस जो है ना ये बहुत ही लाजवाब और मस्त, बहुत सारे लोग हम लोगों के साथ में बैठे हुए हैं, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। पहली बार लाइफ में ये बोटिंग हो रही है, मुझे तैरना आता था ना लेकिन बोटिंग्स में नहीं, मैंने कभी भी ऐसे समुद्र में आया नहीं है। फर्स्ट टाइम हम सब दीघा आए हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, और दीघा का जो व्यू है ना देखिए इधर में ओशंस के बीच में, वाह ये काफ़ी मस्त है। लेकिन ये कोई भी ऐसा हम लोग मतलब मछली या डॉल्फिन वगैरह को देखने को नहीं मिला यहाँ पर, पता नहीं यहाँ पर दिखते भी हैं या नहीं, नहीं पता, मुझे लगता है दिखता होगा लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है देख करके, और सभी कोई फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, तो चलिए थोड़ा फोटो खिंचा रहे हैं। देखो इधर पूरा एकदम खतरनाक चल रहा है, मज़ा आ गया, हम सब उतर गए और इंजॉय कर लिए। दिस वाज द फर्स्ट राइड दैट आई हैड इन माय लाइफ, मैंने इससे पहले कभी भी पानी में ऐसा राइड नहीं किया था, मज़ा आ गया देख करके। और सारे लोग जो है ना इधर में सब यही मस्ती करने के लिए आए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग मिनी गोवा में हैं। सारे इधर में स्टॉल्स लगे हुए हैं और फिशेस आइटम्स बहुत सारा है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं कलरफुल फिशेस, हाँ ये सी फिश, और वो कलरफुल क्रैब्स भी दिखाता हूँ आपको, देखिए ये कलरफुल क्रैब्स है, ये क्रैब्स जो है ना ये कलरफुल है, ये सब एकदम पूरा कलरफुल है। तो गाइस हम लोग अभी आ गए हैं न्यू दीघा में, और यहाँ हम लोग तैरेंगे, डुबकी लगाएंगे, तो चलिए हम लोग, इतना ज़्यादा जो भीड़ है ना कि क्या बताएं आपको, कहाँ नहीं जा सकता है बहुत, तो थोड़ा देर में हम लोग पानी में अभी आने वाले हैं हम लोग। ऐसे भी मेरा फ़ोन पानी में चला गया था लेकिन चल रहा किसी प्रकार से, पता नहीं अभी भी सही ढंग से चलेगा कि नहीं चलेगा, कहा नहीं जा सकते हैं। वेव्स तो देखिएगा आप लोगों को, यहीं बैठते हैं हम लोग। गाइस हम लोग मस्ती कर लिए, मज़ा आ गया समुद्र में नहा करके, और अभी हम लोग यहाँ पर चेंजिंग रूम में आए हुए हैं यहाँ पर चेंज करने के लिए। और क्या कहें आपको, क्या हुआ कहाँ पर, उससे नहीं निकला है पापा, अच्छा दवा लगा देंगे आपके लिए। तो चलिए अभी जब कुछ चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर एक ही चेंजिंग रूम है, वॉशरूम सब है यहाँ पर, तो जल्दी से चेंज कर लेते हैं फिर चलेंगे हम यहाँ से। सो गाइस वी आर रेडी, हम लोग नहा धोवा के फ्रेश हो गए हैं, और अभी यहाँ पर कुछ जो यूनिक चीज़ यहाँ पर का जो चीज़ मिलती है ना, दिया है, और बहुत सारे लोग जो है ना ये नहा धोवा कर ऊपर से निकल रहे, चलिए यहाँ पर कुछ यूनिक चीज़ मिला है यहाँ पर देखिए, तो इसको टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं। इसको हार्ड एप्पल, हार्ड एप्पल, ये हार्ड एप्पल है, कैसा लगे पता नहीं, चलिए जैसा भी है टेस्ट करके देखिए फिर बताते हैं। इसका टेस्ट ही बहुत ही अच्छा है, मतलब कहा जाए तो थोड़ा सा तीखा खट्टा खट्टा मीठा टक्का वाला टेस्ट है। हाँ ये ले लो, देखिए यहाँ पर एंजल के लिए कुछ, तो चलिए बहुत ही मज़ा आया, एक बार आप लोगों को फिर से दिखा देना चाहते थे कि यहाँ का व्यू कैसा है, ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पर देखिए ये है न्यू दीघा, और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे नहाने के लिए, जिसमें से हम लोग भी थे और हम लोग भी इंजॉय किए, अभी भी बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं साथ साथ में। उधर में बहुत सारे लोग हैं, उधर साइड में भी गए हुए हैं जो दूर में हैं, और ये ओशन कितना ही मज़ेदार था, आज का दिन ना बहुत ही गजब वाला था। तो देखिए यहाँ पर इतने सारे लोग आते हैं नहाने के लिए, कितना ही मज़ा आया, हम लोग भी वहाँ पर नहाए धोए, और हम लोग उस साइड में थे, बहुत सारे लोग थे यहाँ पर, छोटे मोटे स्टॉल्स लगाते हैं जो यहाँ पर खाते हैं और इंजॉय करते हैं, और मौसम थोड़ा सा घुमा रहा है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर से चलेंगे, तो बाकी लोगों को एंजॉय करने देते हैं। यहाँ पर एक्चुअली मैं बोट का भी हम लोग मज़ा लिया, देखिए यहाँ पर जो बोट है ना, ये बोट का भी हम लोग मज़ा लिए, बहुत मज़ा आया पहली बार फर्स्ट टाइम, तो कुछ कुछ चीज़ जो अनुभव है वो पहली बार था, ओशंस हमने कभी नहीं देखा था इससे पहले,
और ये ओशंस को देख करके मज़ा आ गया। दिस इज आई थिंक सो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी तो नहीं, ये बे ऑफ बंगाल में है क्योंकि ये बंगाल एरिया है ना, ये बे ऑफ बंगाल को ही टचअप करती है। और मज़ा आ गया दीघा। तो आप लोग भी कभी भी मौका पाते हैं तो ज़रूर आइए, विज़िट कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पर लोग आते हैं, इन्जॉय करते हैं, चाहे आप फैमिलीज़ के साथ में हो चाहे आप कपल्स हो, बहुत इन्जॉय करेंगे। अभी जो है ना ये सी ब्रीज जो है वो काफ़ी थोड़ा सा तेज़ है, धीरे धीरे ये अभी आपको ये नहीं दिख रहा है, सैंड्स नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ देर के बाद में ये कम हो जाएंगे और सैंड नज़र आएगा आपको। लेकिन अभी जो है ना वो वाटर लेवल थोड़ा हाई हो गया है, तो इस कारण से पूरा स्टोन्स जो साइड साइड में है वो आसपास में आपको दिख रहा होगा, ये पानी पूरा स्टोन्स में आ गया है अभी। तो कुछ देर के बाद में जो ये पानी का जो फ्लो है ना वो बैकवर्ड हो जाएगा, वो अंदर की ओर जाएगी, तो ये पानी धीरे धीरे कम हो जाएंगे और यहाँ पर फिर वो आपको बालू नज़र आएगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पर का, जिसको लोग समझ करके यहाँ पर नहाने के लिए घुसते हैं, लेकिन बहुत ही डेंजर है। चलिए हम यहाँ से चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, बहुत ही मस्ती कर रहे हैं सारे लोग, तो चलिए लोगों को मस्ती करने देते हैं और हम लोग यहाँ से। सो गाइस फाइनली हम लोग घूम फिर करके वापस रूम आ गए और बहुत ही अच्छा लगा, क्या ही बताएं आप लोगों को। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं किया था अपने जीवन में, और एक्सपीरियंस जो था ना वो बहुत ख़तरनाक वाला था। मतलब मेरा राइट हैंड लेफ्ट लेग, सिर्फ मेरा जो लेफ्ट हैंड है ना उसको कुछ नहीं लगा, मतलब कहीं चोट नहीं लगा, बाकी सब जगह राइट हैंड बचा है। बाकी राइट लेग लेफ्ट लेग इतना ज़्यादा पत्थर, मतलब ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं कि समुद्र के किनारे में बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, इतना ज़्यादा वेव आ रहा था ना, सब ढकेल करके सब वो ले करके चला जा रहा था आप लोगों के पत्थर में। तो हम सब पत्थर में बैठे हुए थे, इतना ज़ोर से वेव आया ना कि हम लोगों को भी पलटी कर दिया उसमें। लेकिन हम लोगों का जो गूगल्स था, मतलब एंजल की मम्मी का, वो गूगल्स बस हम लोग का थोड़ा सा खो गया कहीं पर, पता नहीं चला। एक्चुअली में हम लोग के बगल में दो लोग भी थे, पता नहीं वो लोग उठा के लेके चले गए या फिर पानी के साथ में चला गया, ये पता नहीं चला। एनीवे एक्सपीरियंस जो था वो बहुत मज़ा आया और बहुत इन्जॉय किए और खूब मस्ती किए पानी में। एंजल तो थोड़ा सा डर रही थी, फिर कल भी हम लोग इन्जॉय करेंगे ना पानी में, फिर जाना है, या शाम को अगर हम लोग देखेंगे कैसा होता है तो फिर वैसे में भी हम लोग जाएंगे। तो चलिए अभी रूम पहुंच गए हैं, तो चलिए इस ब्लॉग में लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। और बहुत ही मज़ा आ रहा है, आप लोग भी आइए और इन्जॉय कीजिए यहाँ पर, बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग पहली बार हमारे इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा पहली बार देख रहे हैं तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।